सुनिए ना, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, घंटी को भी टंटना दीजिएगा, ठीक है ना? कृपया ध्यान दें, अपने शोर से संबंधित यदि किसी प्रकार का अनाउंसमेंट करवाना है तो कृपया राज्य प्रशासनिक भवन में आकर संपर्क करें। धन्यवाद। बड़ों को राम राम, छोटों को सलाम। दिस इज प्रिया सिंह और स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में, जहां मैं आपको लेके आई हूँ पटना पुस्तक मेला। जी, ये वो वाला पुस्तक मेला नहीं है, ये है न्यू वाला जो अभी लगा है 2 तारीख से और 13 दिसंबर तक ये रहने वाला है। तो पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी तो आप सब ने मुझे बोला था कि जब वापस से लगे तो आप सबको अपडेट ज़रूर दूं। तो लीजिए, मैं आ गई अपना वादा निभाते हुए। थोड़ा सा पीछे रह गई मैं सबसे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे, मैंने आपको बताया था, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो शुरू करते हैं टिकट से। 20 रुपये की टिकट है यहाँ पर और अब हम लोग लेंगे एंट्री। तो गेट नंबर 5 से आपको एंट्री करनी है, बिल्कुल पिछली बार जहाँ लगा था वहीं एग्जैक्ट पॉइंट पे लगा हुआ है, बस पिछली बार से थोड़ा बड़ा है। और बड़ा क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे, क्या नए फीचर्स हैं, क्या अच्छी बातें यहाँ पे है, वो सब हम लोग नोटिस करेंगे। और गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पिछले वीडियो पर आपने ढेर सारा प्यार दिया, इस वाले वीडियो पर भी देना बनता है बॉस। तो देख लो, एक रो तो आप देख सकते हो चाणक्य आईएएस अकेडमी, एमिटी यूनिवर्स, मैक वगैरह को समर्पित है। तो इस रो में आधे से ज्यादा जो है यही सब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह एंड ऑल स्टार्टअप्स के सारे एडवर्टीजमेंट लगे हुए थे। फिर यहाँ साइड में हमें दिखता है एकलव्य पिटारा। एकलव्य जो है वो बुक पब्लिशर है एंड इनके बुक्स यहाँ पे थे, स्टॉल्स हैं इनका, जिसका टैगलाइन है हर किताब एक अनुभव। आगे बढ़ते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की भी किताबें हैं यहाँ पे एंड हमारे जो लीडर्स हैं उन पे समर्पित बुक्स भी मिल जाएंगे आपको। वेल, ये वाला जो पुस्तक मेला है वो पिछली बार वाले से ज़्यादा बड़ा है, स्टॉल्स ज़्यादा बड़े हैं और इस बार एक नई चीज़ है, सुपर हीरो बैल कोल्हू करके एक अलग कॉमिक लॉन्च हुआ था और एक बुक थी 32,000 साल पहले नाम की, इसका काफ़ी चर्चा चल रहा था वहाँ पर। तो ये जो स्टॉल अभी मैं जिसमें एंटर करूँगी, प्रभात प्रकाशन वाला, प्रभात प्रकाशन में ही 32,000 साल पहले नाम की एक बुक है जो अभी लगता है न्यू लॉन्च हुई है। इसका नाम काफ़ी सुन रहे थे हम सब, बार बार वहाँ पे रिपीट किया जा रहा था कि उसे एक बार ज़रूर देखिए। तो भाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगेन मैं आ गई अपने फेवरेट वो पे, मुझे हमेशा डिफरेंट किताबें अच्छी लगती है, तो अथ कह कई कथा अच्छी लगी। प्लस एक प्रभात प्रकाशन में एक पूरा जो सेक्शन है वो SSC और JPSC BEd वगैरह को लेकर के UPSC BPSC की बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो लास्ट टाइम आप सबने पूछा था कि मिलेगी कि नहीं इस तरह की बुक्स, तो देख लो यार, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बुक्स भी है यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, इंग्लिश बुक्स हैं, हिंदी नॉवल्स हैं, एज़ यूजल बुक्स का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया है। और हाँ, मैं आपको बात बता दूं कि ज्यादातर यहां पे आपको ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे, मैं वापस रिपीट कर दूं, ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे 20% की छूट मिल जाएगी। भाई ये घट और बढ़ भी सकता है, उनके मन पे है, लेकिन 20% की छूट तो मैंने देखा कि ज्यादातर सारे स्टॉल्स पे थी। और ये है हमारे हिंदुओं की जितनी भी पुराण है, एंड पुराण के बगल में ही मुझे मिल गई चाचा चौधरी वाली हमारी कॉमिक्स बुक। तो हर तरह के आपको पुराण मिल जाएंगे यहाँ पे, श्रीमद भागवत गीता भी मिल जाएंगी, माय रिस्पेक्टेड गीता, और उसके अलावा बच्चों के लिए बुक्स भी है एंड देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो गाइज, अगेन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बुक फेयर में तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल ही होते हैं कि भाई मैंने फिर फाइनली एक सिलेक्ट की बुक, एक टीचर की डायरी, विच एक्चुअली शूट मी। अभी क्योंकि मैं टीचर वाले रास्ते पे बढ़ गई हूँ तो मुझे इस तरह की बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे देखना पसंद है, टीचर को, टीचर की लाइफ से रिलेटेड बुक्स मुझे अच्छी लगती हैं। उसके अलावा देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉवेल्स एज वेल। पिछली बार में मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था कि 100 रुपये में 3 नॉवेल्स मिल रहे थे, वो सब इंग्लिश के नॉवल होते थे, लेकिन इस बार मुझे वैसा कोई सेक्शन नहीं मिला। लेकिन हाँ, आपको अफोर्डेबल बुक्स मिल जाएंगी, यही है वो 32,000 साल पहले वाली बुक जो मैं आपको बोल रही थी, काफ़ी उसके चर्चे चल रहे थे। और मैंने जो बुक खरीदी वो था आई थिंक 200 समथिंग का, जो कि 20% ऑफ के बाद 175 में मुझे मिला था। आगे दूसरे स्टॉल पे मैंने एक और बुक खरीदी थी, वो भी मुझे 20% ऑफ के बाद अच्छा सस्ता में मिल गया था। तो मतलब बुक्स आप जो भी लोगे 20% ऑफ आपको मिल जाएगा एंड दैट वॉज नाइस। अगेन ये वाला जो स्टॉल है यहाँ पे मुफ्त में ये बुक मिल रही थी, इट वॉज फ्री। तो ये जो है मुझे क्रिश्चियन वाली बुक लगी, क्रिश्चियनिटी से इंस्पायर्ड बुक थी एंड दैट वॉज ऑल्सो नाइस, तो मैंने रख ली, दैट्स अ गुड वन, क्योंकि भाई बुक्स पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, जितनी पढ़ते जाओ उतनी कम। आगे यहाँ पे आपको उर्दू की भी बुक्स मिलेंगी,
there are lots and lots of stalls which are dedicated for it. I mean not lots and lots of stalls, बल्कि मैं तो कहूँ कि limited ही है, लेकिन हाँ मुझे इतनी सारी books देख के बड़े मज़े आते हैं, तो मैं lots and lots बोल रही हूँ. तो देख लो अगेन यहाँ पे कामायनी, सेवा सदन, प्रेमचंद की सारी novels और ये सब 20% ऑफ पे थी. तो भाई मेरे तो दो books complete हो गए थे, दूसरी वाली कौन सी बुक है मैं दिखाऊंगी अभी आपको आगे. तो ये सब देख लो आप. स्टॉल्स अगर आप मुझसे पूछो कि क्या बहुत सारे हैं, तो अगेन मैं बोलूंगी जो बचपन में हम लोग जो बुक फेयर विजिट करते थे ना, वैसे वाला बुक फेयर क्यों नहीं लग रहा यार अब, मुझे नहीं पता, वो बहुत बड़ा होता था. बट ठीक है, अब ये वाला भी अच्छा था, पिछली बार वाले से बड़ा है. और ये नुक्कड़ नाटक हो रहा था, तो थोड़ा सा आप भी इसका मजा ले लो हमारे साथ. आगे बढ़ते हुए यहाँ राजकमल प्रकाशन भी है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे बुक्स थे. और सच बताऊँ तो गाइस बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, पर जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें आपको ढेर सारे बुक्स मिलेंगे. तो अगर आपको भी मेरी तरह किताबों का बहुत शौक है, तो अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई बुक फेयर ज़रूर विजिट करिए. उसके साथ दृष्टि IAS एंड ओसवाल बुक्स के भी अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे. ओसवाल तो हमारा फेवरेट है ही, जानते ही, वो टेक्स्ट बुक में हम लोग सब पढ़ते थे, CBSE वाले सारे लोग जानते हैं. प्लस इनका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी कभी है. एंड देन मूविंग ऑन टू फूड स्टॉल्स, तो फूड स्टॉल्स अच्छे हैं, पिछली बार से ज़्यादा हैं. चाट वगैरह के ऑप्शंस भी हैं. एंड देख सकते हो आप, मैंने भी यहाँ पे ट्राई किया था, मैंने हॉट डॉग ट्राई किया. मोंगिनीज का भी यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था, तो भाई बड़ा मज़ा आया. और भी है जैसे कि मक्के की रोटी, सरसों का साग, फास्ट फूड, मोमो एंड ऑल, जिसको जो अच्छा लगे आप सब ट्राई कर सकते हैं. तो पिछली बार से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली हैं, खाने में तो हैं और बुक्स में भी कंपेरेटिवली हैं ही. करंट अफेयर्स वगैरह की बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, और बटाटा पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी भी मिल जाएगा. तो ये था पटना बुक फेयर जो अभी लगा हुआ है, 13 दिसंबर तक रहने वाला है का व्लॉग. एंट्री करने के लिए गांधी मैदान गेट नंबर 5 से एंट्री कीजिए. और ये रही मैं अपने दोनों बुक्स को दिखाते हुए जो एक तरफ उल्टा हो रखा है, तो दो बुक्स लिए मैंने इस बार, हिंदी वाले उपन्यास लिए हैं. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि अब वीडियोज टाइम पे आएंगी, एग्जाम्स ओवर हो गए मेरे, और उससे भी रिलेटेड काफी मजेदार वीडियोज आने वाली है, तो डू सब्सक्राइब फॉर दैट. और हाँ, क्योंकि इतने सारे बुक्स ले ही लिए थे, तो एक बहुत जरूरी चीज जो बाहर में मिल रही थी वो तो लेना बनता था. गेस करो क्या हो सकता है जी. नया साल आने वाला है और हम सब के घर में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. अगर अभी तक याद नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर. भाई इसके बिना तो एकदम चलता ही नहीं हमारा. तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू, बाय बाय.